江水Hey guys, Manu here. तो कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. तो आज की वीडियो में मैं ब्राइडल मेकअप लेके आई हूँ और ये मराठी ब्राइडल मेकअप है. तो जो मुझे यहाँ पर नए देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी और एनेस्थेशिया का प्रोमेड जेल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर. और यहाँ पर मैं अब आई शेडो लगा रही हूँ, ये लाइट शेड का. अपने पूरे आईलेट में मैं अच्छे से इसको फैला दूंगी. कोई भी क्रीज लाइन बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए. अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ. और अब अपने आईब्रो के नीचे मैं वाइट कलर का आई शेडो लगा रही हूँ. ये मैंने यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वाइट कलर था, तो मैंने इसको सीधा ही जो है अपने आईलेट अपने आईब्रो के नीचे यूज़ किया है. तो इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. दो कलर में मिक्स करके लगा रही हूँ. अब ये ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर है, इसके मैं ऊपर इसी के ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. और अब मैं यहाँ पे येलो कलर ले रही हूँ. और सेम मैं दूसरी आईज पे भी मैं वैसे ही लगाऊंगी इसको. अब मैं ये ऑरेंज कलर लगा रही हूँ. ये थोड़ा सा डार्क है, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी इसके बाद. और ये डार्क ब्राउन कलर मैं इसका यूज़ कर रही हूँ. इससे मेरी आईज़ जो है वो थोड़ी सी बिगर दिखाई देगी. आप देख रहे हो, इसको हमने पूरी आईज़ पे नहीं ब्लेंड करना है, सिर्फ हमने इसको कॉर्नर पे ही लगा के हल्का सा.
और फिर ये ब्लेंडिंग ब्रश से सिर्फ उसी जगह पे, उसी कॉर्नर पे ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। और अब मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर लिया है, बहुत ही शाइनी और सिमरी कलर है ये। सिर्फ जो येलो कलर है सिर्फ मैं वहीं पे इसको लगाऊंगी। और ये जो गोल्डन वाला कलर मैं लगा रही हूँ ये बहुत ही शाइनी है और क्रीमी आई शेडो है एक्चुअली ये। और जितनी भी क्रीमी आई शेडो होते हैं अगर आप उसको वेट करके लगाते हो ब्रश को तो ये बहुत टाइम तक स्टे भी रहते हैं आपकी आईज़ पे और बहुत ज़्यादा ग्लो भी करते हैं। और अब इसके ऊपर मैं ये ग्लिटर लगा रही हूँ, बहुत लाइट कलर का ये ग्लिटर है, बहुत ज़्यादा शाइनी वाला नहीं है। और अब मैं ये मैबलिन का जेल आईलाइनर लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर लगाऊंगी और उसके बाद में पूरी आई स्पेस को लगाऊंगी। अब मैं लाइट ब्राउन कलर को जो मैंने अपना काजल लगाया है ना तो उसके नीचे मैं इसको लगा रही हूँ ताकि एक स्मोकी लुक आ सके। थोड़ा सा आईलाइनर मैं नीचे भी लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए वो। और अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ, ये मैबलिन का मस्कारा है।
फाउंडेशन मैं लगा चुकी थी पहले ही, यहाँ पर मैं कंसीलर लगा रही हूँ। और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये मैं बनाना लूज पाउडर यहाँ पे लगा रही हूँ। वैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लूज पाउडर का यूज़ ना करें, क्योंकि अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो उसमें अगर आप लूज पाउडर का यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा ड्राइनेस फेस पे आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम, आपने देखा, लूज पाउडर यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं अब ब्लश लगा रही हूँ, ये वाला कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाऊँगी, क्योंकि ब्राइडल मेकअप है तो थोड़ा सा पिंक लुक जो है वो आनी चाहिए। तो इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और गाइज़ यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे फेस पे ये एक पिम्पल हो गया है, पता नहीं कल कहाँ से ये टपक पड़ा था पर चलो इसको इग्नोर करते हैं। तो ये जो मराठी मेकअप है इसकी मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मैंने कहा चलो आज मराठी मेकअप ही किया जाए। और यहाँ पर मैं ये मैबलिन की लिपस्टिक लगा रही हूँ, दोनों लिपस्टिक मैं मिक्स करके लगा रही हूँ। और गाइज आपको अगर मेरा मेकअप अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मेकअप जो है कैसा लगा। तो ये है मेरी फाइनल लुक। सारी मैंने यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह डाल ली है। और मराठी मेकअप का ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो नोज़ पिन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।